बालाजी के मंदिर में चढ़ने को तैयार हूँ, ये खुद चढ़ सकता है अपने बच्चों के साथ। मतलब अगर मैं झूठ हूँ, अगर मैंने इससे कोई भी पैसा लिया है, तो जो ये बोले या जो भी पुलिस कार्रवाई होगी, जांच करे, निष्पक्ष जांच हो। मेरा इसके पैसों के साथ कोई लेन देन नहीं, मेरे पति के साथ लेन देन है। उस चक्कर में ये मेरे को घसीट रहा है, मेरे को इसने धमकी भी दी है सर, और इतना मेरे को मेंटली अरेस्ट कर दिया। मैं इतनी मेहनत करती हूँ सर, मैं इतनी स्ट्रोंग हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी, मतलब कल ऐसा हुआ कि एक टाइम पे मतलब दिमाग इतना वीक था कि मैंने इतनी छोटी हरकत की, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसी हरकत की। बिना अपनी लड़ाई लड़े मैंने हार मानी, पर मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी सर, मैं सच हूँ। प्रूफ कर दे मैंने मेरे अकाउंट में कोई भी पैसा आया, और पुलिस निष्पक्ष जांच करे, पुलिस में तो पुलिस वाले भी सारे इसकी तरफ ही है। एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कल रात से ही, और उससे पहले दिन में एक वीडियो वायरल होता है जो कि जेलर, तिहाड़ के जेलर जो कि काफी फेमस भी है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, उनके द्वारा आरोप लगाए जाते हैं एक पहलवान के ऊपर, एक हस्बैंड और वाइफ के ऊपर, कि भी उन्होंने उनके साथ एक फ्रॉड किया है और काफी भारी अमाउंट जो वो था। बाकी अभी जैसे ही रात को एक वीडियो वायरल होता है, इन्हीं का वो वीडियो था जो कि रौनक गुलिया जी हमारे साथ फिलहाल मौजूद है, एक रेसलर है, देश को रिप्रेजेंट भी किया एक अच्छे लेवल पे, लेकिन उसी के बाद आज यहाँ पर पहुंचाना, इनसे जान लेते मैम पूरा क्या कुछ मामला था, एक बार वो बता दीजिए। सर ये जो दीपक शर्मा है, मुझे पिछले 2 से 3 महीने से टॉर्चर करा है मेंटली अरेस्ट। जो मेरे हस्बैंड अंकित गुलिया और दीपक शर्मा, ये दोनों आपस में कुछ बिजनेस कर रहे थे, मुझे नॉलेज में नहीं था। इनका आपस में पैसों का लेन देन था, 2 नंबर का कर रहे थे, 1 नंबर का भगवान जाने, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं था कि इनका कुछ लेन देन है। तो इनकी आपस में बाद में बिगड़ी है, क्या हुआ है वो ये लोग जाने। तो उसके बाद इसने मेरे ऊपर पैसे के लिए प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि पैसे आपको देने पड़ेंगे, आपका पति है, ये है वो है। तो मेरे पति से भी मेरी बोलचाल काफी दिन से मतलब बन है, अनबन सी चल रही है हमारी। तो कभी रात को 11 बजे मुझे फोन करता है, कभी 12 बजे मुझे फोन करता है, कभी किसी से फोन कराता है। तो मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, और कल तो इसने आधी कर दी, झूठी FIR लिखवा दी बिना किसी प्रूफ के। देख ये खुद बोल रहे कि मेरे से पैसे लिया, अगर मैंने इससे पैसा मतलब कोई भी अकाउंट में मेरा कोई पैसा आया हो, मैं इससे कभी मिली हूँ, या फिर मैंने इससे मतलब कैसे भी मतलब पैसे का मेरे इसके साथ कोई भी कनेक्शन पा जाए जांच में, तो मैं बालाजी के मंदिर में चढ़ने को तैयार हूँ। ये खुद चढ़ सकता है अपने बच्चों के साथ। मतलब अगर मैं झूठ हूँ, अगर मैंने इससे कोई भी पैसा लिया है, तो जो ये बोले या जो भी पुलिस कार्रवाई होगी, जांच करे, निष्पक्ष जांच हो। मेरा इसके पैसों के साथ कोई लेन देन नहीं, मेरे पति के साथ लेन देन है। उस चक्कर में ये मेरे को घसीट रहा है, मेरे को इसने धमकी भी दी है सर, और इतना मेरे को मेंटली अरेस्ट कर दिया। मैं इतनी मेहनत करती हूँ सर, मैं इतनी स्ट्रोंग हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मतलब कल ऐसा हुआ कि एक टाइम पे मतलब दिमाग इतना वीक था कि मैंने इतनी छोटी हरकत की, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने ऐसी हरकत की। बिना अपनी लड़ाई लड़े मैंने हार मानी, पर मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी सर, मैं सच हूँ। प्रूफ कर दे मैंने मेरे अकाउंट में कोई भी पैसा आया, और पुलिस निष्पक्ष जांच करे, पुलिस में तो पुलिस वाले भी सारे इसकी तरफ ही है। जो उनका एक बयान वायरल हो रहा है मीडिया के ऊपर, जिसमें उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को बयान दिया कि भी 51 लाख के आसपास का अमाउंट था जो उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाने के नाम पर लिया था। नहीं नहीं सर, पहली बात तो जब ब्रांड एम्बेसडर आप बनते हो, जैसे मेरे पास भी ऑफर आते हैं ब्रांड एम्बेसडर, तो कंपनी आपको पैसा देती है ना कि पैसा लेती है, पहली चीज तो यही क्लियर है। दूसरी चीज, जिस कंपनी की बात कर रहा है वो एक साल पहले ही बंद हो चुकी है, ये पैसे का लेन देन ये फरवरी इसके आसपास बता रहा है, और जिस टाइम का ये पैसे का लेन देन बता रहा है उस टाइम पे मैं बाहर ट्रेनिंग के लिए गई हुई थी, तो मैं यहाँ थी भी नहीं उस टाइम पे, मैं यहाँ अवेलेबल भी नहीं थी। ये 2-3 तारीख के आसपास मिलने का जो बोल रहे कि मिलने आई थी, तो बिना किसी प्रूफ के मतलब ये सिर्फ इल्जाम लगा रहा है, कोई इसके पास प्रूफ नहीं है, सिर्फ बदनाम करने के लिए और मानसिक मुझे परेशान करने के लिए कि मैं ऐसा कुछ कदम उठा लूं। मुझे मतलब मेंटली इतना मतलब इसने टॉर्चर किया कि मैंने मतलब इतनी इतनी छोटी हरकत मैंने अपने ऊपर करी, जिसका मुझे अफसोस है। मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी, मैं कोर्ट तक भी जाऊंगी, और बस मेरी यही है कि भाई पुलिस निष्पक्ष जांच करे इस मामले की जो भी। और पहली बात तो ये है कि इतने 51 लाख रुपए बात कर रहा है ये अफसर, इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? 51 लाख रुपए भाई, सरकारी नौकरी में 51 इतना मोटा रकम कहाँ से आई आपके पास में? और दूसरी चीज, आप किसी भी लड़की को आप 51 लाख रुपए दे दोगे बिना मतलब उसके बिजनेस भी करे, इन्वेस्टमेंट भी करते हो, तो आप कागजी कार्रवाई होती है, उसमें बॉन्ड बनते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, कानूनी चीजें होती हैं। तो कोई भी बिना प्रूफ के ये मीडिया में इसने मतलब हर जगह हर चैनल पे, लाइक इंसान को मतलब एक होता है ना कि भाई उसकी कमजोरी क्या है, तो मेरी कमजोरी है कि मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए ही जीती हूँ। मैंने बस आज तक अपनी लाइफ में नाम ही कमाया बस, जो मतलब अपनी मेहनत के बल पे, जो भी मैंने 4-5 साल मैंने रेसलिंग में दिया है, मतलब बहुत संभल के चली हूँ कि कहीं इधर से उधर थोड़ा वो ना हो जाए, नाम पे कहीं आँच ना आ जाए। इसने बस वही खत्म करने के लिए, मतलब इसने पूरी तरीके से जो इसने बोला था, मेरे को धमकी दी थी, मारने की भी धमकी दी है इसने मुझे यहाँ तक की, और ये बोला था कि जो जिस चीज पे तू छलती है ना, जो तेरा नाम है उसी को मैं खत्म कर दूंगा, मतलब ये, और ये उसने कर भी दिया। लेकिन मैं उस टाइम पे टूट गई थी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए, पर मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी, मैं सच की लड़ाई लड़ूंगी, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों डरूंगी। आपसे पहले कभी आप उनसे मिले थे? नहीं, मैं उससे कभी नहीं मिली हूँ। मैं उससे सिर्फ और सिर्फ 2 साल पहले 2021 में जो इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर डिस्कवरी चैनल पे जो शो आया था उसमें मिली थी मैं उससे। हाँ, एक और बात जो आप कह रहे थे, कोई सट्टे वगैरह के पैसे थे, 2 नंबर का पैसा था, वो सब क्या था? वो सब ये जैसे मेरे हस्बैंड वगैरह है, मैंने इनसे सख्ती से पूछताछ की, जब इन्होंने बताया कि मैंने पूछा क्या बिजनेस था ऐसा जो तुम्हारी इतनी लेन देन आपस में हो रही थी, तो उस टाइम पे उसने मेरे को बताया था कि हम सट्टे की ऐप चला रहे थे और दारू वगैरह की सप्लाई का इनका काम, ये मतलब ये 2 नंबर के काम करता है, आपराधिक प्रवृत्ति का ही आदमी है, ये भी कोई बेशक से अफसर की पोस्ट पे बैठा है बट इसका काम ही है, तभी तो कभी गुंडों के फोन, कभी पुलिस के, और अभी भी पुलिस मेरे पे दबाव ही बना रही है कि हाँ भाई आपने सुसाइड किया, आप ही अपराधी हो। सुसाइड कोई अपनी मर्जी से, कोई अपनी जिंदगी, खासकर तो मतलब जो जिसका एक एम हो, मतलब जिंदगी में कुछ करना हो, मतलब सुबह 4 बजे उठ के हम 8 घंटे मेहनत में करती हूँ, तो वो ऐसे अपनी जिंदगी खत्म नहीं करता, उसको इतना प्रेशराइज किया जाता है, तो उस लेवल का प्रेशर मेरे ऊपर बिल्डअप कर दिया था इसने। पर मैं अपनी लड़ाई, अब मैंने अपने सोचा है, विचारा है, जब मैं सही हूँ तो मुझे डरने की जरूरत क्या है, मैं अपने आप को क्यों खत्म करूंगी, जो गलत है वो खत्म होगा, मैं नहीं होऊंगी। अभी कोई क्रॉस केस या फिर कोई कानूनी कार्रवाई? कानूनी कार्रवाई होगी, अभी मैं कोर्ट में भी केस में इस चीज के ऊपर, सबसे पहले तो जो इसने मेरे ऊपर झूठी FIR कराई है उसका मैं जांच ज्वाइन करके उसकी जो भी है निष्पक्ष जांच हो उसकी, कि भाई मेरे अकाउंट में कोई पैसा आया नहीं, मेरे हस्बैंड से लेन देन है उसके साथ करो, उसके मतलब मेरे पे किस बात का वो कर रहे है, उसके साथ करो, जो भी अगर है भी तुम्हारा जेन्युइन भी है तो भी उसके साथ करो, बाकी दोनों पक्ष की बात होगी उसको लेके आओ, मतलब मेरा नाम बीच में झूठ में घसीटना, जहां तक कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कभी इससे कोई पैसों से रिलेटेड कभी कोई बात भी हुई हो, कभी आज तक फोन पे मैसेज पे कोई बात ही नहीं हुई है, पैसे लेन देन की तो दूर की बात है। तो बिल्कुल, जो फिलहाल अभी हमारे साथ मौजूद थी रेसलर रौनक गुलिया, एक जाना माना चेहरा इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में बन चुके हैं, उसके बाद रात को एक वीडियो वायरल होता है इसके अंदर रोते हुए साफ तौर पर नजर आ रही है, और साफ तौर पर कहा गया था कि अब और कोई रास्ता नहीं है और कोई हल नजर नहीं आता, क्योंकि जो आरोप थे इनके ऊपर इस प्रकार के लगाए गए थे। उसी के बाद अभी सुबह खबर मिलती है कि जो हिसार शहर के एक निजी अस्पताल के अंदर रौनक गुलिया को भर्ती करवाया गया, और फिलहाल ICU के अंदर यहाँ पर जो है रौनक गुलिया भर्ती। आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक जाने मान चेहरे के ऊपर इस तरह के आरोप लगना, और वो आरोप भी जो लगाए गए हैं एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है, तिहाड़ जेल के अंदर इस वक्त जेलर की पोस्ट के ऊपर वो है, और बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी काफी फेमस हो रह चुके, उनके द्वारा ये आरोप लगाए गए थे जिसके ऊपर अभी बातचीत हुई, और साफ तौर पर कहना है कोई भी लेन देन मेरे साथ नहीं था, जो भी लेन देन था वो मेरे पति के साथ था, और कोई 2 नंबर का पैसा इन्होंने बताया, और कोई सट्टे की साइट वगैरह जैसा कि इनका कहना है, इनके पति और जो जेलर है वो मिलकर चलाया करते थे, क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़े हुए उनको बताया। बाकी आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।